मैं माचिस की तीली, जंगलपन यह घना अंधेरा घिर रहा है, सुलग रहा है झरे पत्तों की नसों में धूल चाटता विराम। हविष्य यह कुंद होती आस्था का कर रहा हूँ होम, स्वर्ग से धकेले गए देवताओं पर मैं माचिस की तीली। नमस्कार, एएनएम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं अभिजीत नंदी मजुमदार आपके साथ एक अनोखी अंदाज में। यह अनोखी अंदाज क्या है? आज दिल दहलाने वाले कविताओं से दिल दहलाएंगे और हमारे साथ है तुषार धवल सिंह, जो तुषार धवल के नाम से जाना जाता है। नमस्कार तुषार धवल सिंह, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपके कीमती वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा, कला चित्रकला कवि और साथ साथ अफसर, तो हम लोग तो अफसर एंड जेंटलमैन सुना है, ये अफसर एंड कलाकार ये एक अलग चीज़ होती है। तो आप थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि किस तरह से ये दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करते हैं। कलाकार तो जन्मगत होता है, मतलब ऐसा मैंने अनुभव किया है कि आप जन्म से ही उस तत्व को लिए आते हैं। तो कोई कहे कि मैं कवि बन जाऊंगा बहुत अभ्यास करके, तो बन नहीं सकता। वो ठीक लिख लेगा अभ्यास से, लेकिन जो कवित्व होता है, जहाँ कविता उफान लेती है, कला, वह ईश्वर की दी हुई होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं, जैसे हम लोग मेरे डिपार्टमेंट में कहते हैं, यू आर बॉर्न विद अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, सो आई वॉज बॉर्न विद दिस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड दैट्स हाउ आई वॉज। पूरे समय मैं पढ़ने में अच्छा था, स्कूल में ठीक ही ठाक था, कॉलेज आते आते बहुत अच्छा हो गया और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मैंने पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था और तब मैं पूरे देश में लगभग सबसे कम उम्र का था, 22.5 साल में हो गया था। तो तब तक तो दुनिया बड़ी हरी भरी थी, कल्पनाओं से भरी, उम्मीदों से भरी। जैसे पुलिस आईपीएस में जाना है या आईआरएस में जाना है, ये चुनने के पहले मेरे पिता ने कहा कि बेटा तुम तो कवि टाइप के आदमी हो, कहाँ डंडा भांजोगे। हम लोगों को तब कुछ जानकारी नहीं थी इस बात की कि एक आईपीएस के तौर पे आप बेसिकली डे टू डे लाइफ आपकी कैसी होती है, आप आयकर में अगर हैं, आईआरएस में हैं तो कैसी होती है, हमें नहीं पता था। हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली थे और ज़िंदगी बस चल रही थी। डिपार्टमेंट में जब आया, ट्रेनिंग के समय ही मुझे पहली बार महसूस हुआ कि क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आप कवि हैं, चित्रकार हैं, तो थोड़ा एक लाइटर मूड में सब मुझे कलाकार जी बोला करते थे, यू नो, समझ। और एक इस तरह का भाव डिपार्टमेंट में आज भी है, मैं आज भी वो देखता हूँ कि अगर ये पोएट है या आर्टिस्ट है तो ये काम क्या करेगा फिर। और ऐसे कई अनुभव हुए हैं, वाकये हुए हैं मेरे साथ कि जहाँ किसी सीनियर ऑफिसर ने जैसे मेरे बारे में सुना कि अरे वो तो पोएट आर्टिस्ट है, तो पहला चीज़ उन्होंने ये पूछा, तो काम आता है उसको? मगर काम के साथ पोएट आर्टिस्ट का तो कोई संबंध नहीं, वो अलग होता है। आप जब पोएट होते हैं, जैसे मेरा अपना तरीका है और आई थिंक हर किसी का अपना अपना तरीका है, तो कोई कह नहीं सकता है कि यही एक प्रेस्क्राइब्ड तरीका है या यही सही है। जैसे जिसकी आंतरिक बुनावट है, उस ढंग से उसकी अभिव्यक्ति आती है। मेरे लिए वो यूँ समझिए कि जैसे अगर वॉमिटिंग आ रही है, आप उसको रोक के नहीं रख सकते हैं, उसी समय करना है। तो मेरी बहुत लंबी लंबी कविताएँ हैं जो मैंने मोबाइल पर लिखी हैं जी, क्योंकि उसको तभी व्यक्त होना है। अगर मैं रुक जाऊं कि होल्ड कर लूं, एक घंटा बाद करूं, तो वो निकल जाता है, वो ट्रेन चली जाती है जी। तो ऐसे मैनेज होता है। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि डिपार्टमेंट में तो ये समझते हैं लोग कि ये तो कवि है, ये क्या काम करेगा। कवियों की समझ ये है, ये तो साहब है, ये कैसे कविता करेगा। नहीं, उनके पास हैं इस तरह के कई अधिकारी, जबरदस्ती में कवि हो गए, उन्होंने अपना रसूख का इस्तेमाल किया और जिसको कहते हैं ना त्वरित महानता, एकदम
मगर आपकी कविताएं जो हैं जी, खासकर कई सारे कविताएं फिल्माए गए हैं, आप अभिनेता भी हैं, मगर इस कविताएं मामले में मैं बातचीत करना चाहूंगा आपसे थोड़ा सा, कि इसमें माचिस की तली एक कविता है। हाँ, बहुत पहले लिखी गई थी। हाँ। तो इस मामले में थोड़ा सा अगर आप विस्तार से बताएं कि उस कविता किस ढंग से क्यों आपने लिखी और इसमें फिल्म एक फिल्म की तौर पर आपने लिखे, हाँ, तो उसमें उसमें हाँ, क्या हुआ था, तो बैकग्राउंड है थोड़ा सा अगर ये हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। एक बहुत बड़े कवि थे दिलीप चित्रे, वो सिर्फ कवि ही नहीं थे, वो चित्रकार भी थे, म्यूजिशियन भी थे, मैनेजमेंट गुरु भी थे, डिजाइनर भी थे, यू नो मैनी थिंग्स टैग्ड इन वन। और वो पूना में रहते थे, कोल्हापुर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, मैं तकरीबन 4.5-5 साल वहाँ रहा था, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र पूना हो गया। तो मुझे पता था कि दिलीप चित्रे पूना में रहते हैं और हमने उनकी कई कविताएं पढ़ी थी अंग्रेजी में, वो इंग्लिश और मराठी इन दो भाषाओं में कविताएं लिखते थे। मुझे नहीं पता था कि वे चित्रकार भी हैं। तो मेरी वाइफ जब पूना में पढ़ती थी अनिमा, तो उनके लोकल गार्डियन पूना में ही रहते थे, जो वो आर्टिस्ट थे, दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों ही आर्टिस्ट थे। तो क्योंकि मुझे भी चित्रकला वगैरह में रुचि थी, तो मैं इन लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा घुल मिल गया था। तो एक दिन बातों बातों में इन्होंने कहा कि यहाँ पे दिलीप चित्रे जी हैं, हम लोग उनके पास जाते हैं। तो मैंने, अच्छा आप लोग दिलीप चित्रे जी के पास जाते हैं? तो बोले, हम लोग तो जाके बैठते हैं। और यूँ समझिए यहाँ के बहुत सारे यंग आर्टिस्ट वगैरह हैं जिनको बैटरी चार्ज करनी होती है तो दादा के पास चले जाते हैं, उनको हम लोग दादा ही बोलते थे। तो मैंने कहा कि मुझे भी ले चलिए। तो पहली मीटिंग बड़ी सुंदर रही, उन्होंने पसंद किया कि मैं आया और मिला, क्योंकि अक्सर होता है कि हकाल देते थे लोगों को कि जाओ ठीक है दोबारा मत आना। तो उनको अच्छा लगा, तो मेरे लिए बड़ी बात थी कि उन्होंने फिर कहा मुझे कि आ जाओ। तो हम लोग लगभग यू नो वीकेंड्स पे मैं और मेरी पत्नी हम दोनों चले जाया करते थे उनके घर। तो उनको पता चला कि मेरा थिएटर का भी बैकग्राउंड है और मैं पोएट्री के अलावा बाकी चीज़ें भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई फिल्में बनाई भी हैं, विजेता और इस तरह की कई फिल्में हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुषार व्हाई कांट वी प्लान ए मूवी। हम बोले ऑफ कोर्स वी कैन, आप बताइए कब करना है क्या करना है। तो बोले कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्टोरी डेवलप करो और उसको लेकर तुम काम करो, तुम स्क्रिप्ट लिखो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो मैं एकदम अच्छे बच्चे की तरह बैठ गया, मैंने एक स्टोरी डेवलप की और कि कोई गरीब सा लड़का है, मैनेजमेंट स्कूल में जैसे तैसे पढ़ रहा है, ये डन वेरी वेल देयर, उसको बड़े ऑफर्स मिल रहे हैं कॉरपोरेट्स के, वो छोड़कर वो कहता है कि मैं जिस स्लम में रहता हूँ मैं उसको एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके उसको मैनेज करूँगा, एंड मेरी जितनी स्टडीज़ है जो भी मेरा ज्ञान है उसको मैं वहाँ बिल्ड करूँगा एक मॉडल के तौर पे। तो ये उस काम में लगता है, कहानी उसी सिलसिले में है। तो मैंने सोचा था कि जैसे स्क्रीन प्ले जब की बात हो रही है, पहला आएगा तो डार्क स्क्रीन रहेगा, एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, ऐसे वैसे कुछ एक शॉट आता है फिर ब्लैक होता है, और बैकड्रॉप में दिलीप चित्रे की एक पोएम थी द रुइंस, उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। और मैंने सोचा कि ये हिंदी में वॉइस ओवर के ज़रिए हम लोग शुरू करेंगे। उनको मैंने दिखाया तो थोड़े से ये नाराज़ हो गया कि उनको पसंद नहीं आई ये बात। तो उन्होंने कहा, यार ऐसे नहीं, मतलब तुम तो सत्यानाश ही करोगे, इस कविता को रहने दो, तुम कोई और कविता बताओ। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि दादा मेरी भी एक पोएम है इसी तरह की, जो मैं काफ़ी कुछ इसी मूड से, क्योंकि मेरा जो थॉट था वो यही था और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी मैंने डेवलप किया था। तो उन्होंने कहा मुझे सुनाओ, तो मैंने सुना दिया, उनको पसंद आ गई, तो वो अप्रूव हो गई कि वो उस फिल्म की ओपनिंग उसी कविता से होनी थी, हालांकि हो नहीं पाई वो फिल्म। उसी कविता महसूस की तिली है जी जी, उसमें दो चार शब्द दो चार लाइन आप पढ़ सकते हैं अगर आपको याद है। मुझे मुझे पूरी तरह याद नहीं, पर मैं कोशिश करता हूं। मैं माचिस की तीली, जंगलपन यह घना अंधेरा घिर रहा है,
सुलग रहा है झरे पत्तों की नसों में धूल चाटता विराम। हविष्य यह कुंद होती आस्था का कर रहा हूं होम, स्वर्ग से धकेले गए देवताओं पर मैं माचिस की तीली। इसके आगे मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जबरदस्त, आपने तो ये इस तरह से फिल्मों में भी इस तरह से पढ़ा जा सकता था जी, पढ़ने का भाव यही भाव होता, यही था, यही होता। तो ये फिल्म, बहरहाल ये कविता यूट्यूब पर है जी, हिंदी कविता नाम का एक चैनल है जी, अगर कोई सुनना चाहे तो वहां पर है एक पूरा जी। हाँ, तो इस तरह की कविताएं कुछ फिल्माए गए हैं इस तरह की, और यह आप अभिनेता के रूप में तो आपको भी जाना जाता है, एक तो आपका जो साइड ये है वो अभिनेता भी है, पेंटिंग भी है, तो अभिनेता के हिसाब से कभी आपने बॉलीवुड में जाने की कोई? नहीं, बॉलीवुड मेरे लिए बड़ी दूर की कौड़ी थी और मैं शुरू से जानता था, और दूसरा है कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा उन सब चीज़ों को हैंडल करना। हम पर कुछ हमारे कंडक्ट रूल्स भी होते हैं, सर्विस रूल्स, खैर वहाँ तो परमिशन मिल सकता था जी, पर मैं खुद जानता हूँ, आदमी को पता होना चाहिए वो क्या कर सकता है और क्या नहीं करना चाहिए उसको। आप थिएटर तक सीमा? मैं थिएटर तक सीमित रहा, मुझे थिएटर में बहुत मजा आता था जी। तो फिल्म या थिएटर किस में आपका? थिएटर। किसके कारण? वो मंच पर रोज रोज का जो अनुभव होता है ना, आप एक ही नाटक को हर रोज जब मंचित करते हैं आप पाते हैं हर रोज आपका अभिनय थोड़ा अलग होता है। ऐसा मुझे लगता था कि आज एक खास मनस्थिति में आप अभिनय कर रहे हैं, आपका अभिनय कुछ और होगा, वही सारे डायलॉग्स हैं, आपके मूवमेंट्स वही हैं, सब चीज़ वही है, लेकिन आपका जो भाव होता है ना बोलने का, वो बड़ा सटल सा आपको खुद महसूस होता है कि आप कभी कभी आप पूरी तरह तल्लीन हो जाते हैं, कभी आप यहाँ से कर रहे होते हैं, यू नो, एक्टर भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, एक व्यक्ति है, इंसान, मनुष्य है। तो आपने कितना स्टेज प्ले किए हैं? किया होगा अभी गिनती मुझे लगभग कई सारे, मैं बहुत सारा, हाँ बहुत सारा। इसमें सबसे बढ़िया स्टेज काम जो आपको लगा कि मैं ये कुछ कर पाई, इस कैरेक्टर को मैं दिखा पाया हूँ दर्शकों के सामने, इस कैरेक्टर को मैं एक जान दे पाया हूँ, उस टाइप का? ये दिल्ली में जब हमने, एक्चुअली हम हिंदू कॉलेज में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारे जो हॉस्टल के मित्र थे उसमें हमारी एक नाटक मंडली बनी थी, हम लोग उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इम्तियाज़ अली हमारा, वो जो आजकल फिल्मों का डायरेक्टर है काफ़ी नामी, हमें बड़ा एक तरह से घमंड होता है उसको वहाँ देखकर, अच्छा लगता है, हमारा ही एक दोस्त वहाँ है, तो वो डायरेक्ट करता था प्रायः, और हम लोग का अपना अपना बन गया था कि मैं एक एक्टर के तौर पर ही था, और कभी कुछ गीत वीत लिखना हो तो वो मैं करता था। अब जैसे एक सुब्रत हमारे साथ था, सुब्रत सिन्हा, बड़ा अच्छा गाता है, तो वो उन गीतों को गाता था, कंपोज करता था, गाता था। हमारे साथ कुछ मित्र भी थी हमारी जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट से थी, तो प्रॉपर मैं इतना ख़राब गाता हूँ कि कोरस में भी मुझे बोला जाता था, टीडी खबरदार जो आवाज़ भी निकाली तुम खाली लिपसिंग करोगे। मैं बहुत ही, मतलब उतना खराब गाने के लिए भी आपको ईश्वर से ही कुछ मिलना चाहिए, आप उतना बुरा मैं गाता हूँ। तो मेरे दोस्त कहते थे तुम गाना गाते नहीं हो, तुम गाना डांटते हो। तो सबका अपना अपना बना हुआ था, तो मैं उसमें एक अभिनेता के तौर पे था। तो शुरुआती दिनों में एक नाटक हमने किया था होली, होली में जो मेरा कैरेक्टर था वो एक एफिमिनेटेड, थोड़ा स्त्रैण स्वभाव का, और उस नाटक में ये कहा नहीं गया है कि वो गे है, समलैंगिक है जी, पर हमारा इंटरप्रिटेशन था कि वो ऐसा भी है जी, तो वो हमारे किसी डायलॉग में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे बॉडी लैंग्वेज में, मैं जैसे चलूँगा, मैं जैसे बातें करूँगा, तो उसके लिए मैंने, हमारे ही हॉस्टल में कुछ कैरेक्टर्स थे या, मैंने काफ़ी लोगों को ऑब्जर्व किया,
तो मेरा वो जो आनंद का चरित्र था वो बहुत ही पसंद किया गया। जितने सारे आप अदाकारी किए हैं आज तक जी, सबसे वो आनंद की चरित्र आप आनंद है। फिर पंचलाइट है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित एक नाटक था जी, उसमें मैं सरपंच की भूमिका में था। इसके साथ एक बड़े मजेदार कहानी मैं सुनाता हूँ। ये हम लोग सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में थे जी, अगर मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ तो मुझे रोक दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर चल रहा था हिंदू कॉलेज में, और पहले साल में मैं टॉप पर था, मैंने टॉप किया था जी। तो मेरे पिताजी बड़ी मेहनत से, बहुत पेट काट के, बड़े कष्ट से पैसे भेजते थे, और उन्होंने पूरा जीवन होम कर दिया था कि बच्चों को पढ़ाना है। तो उस समय फ़ोन वन हमारे पास हुआ नहीं करता था, तो पिता पुत्र के बीच चिट्ठियों से संवाद होता था, और पिताजी की हिंदी बड़ी गजब है, और मैंने वही इनहेरिट किया एक तरह से जी। उनकी चिट्ठी आई जिसका सार यही था कि बेटा अब फरवरी का समय है, मार्च अप्रैल वगैरह में तुम्हारी परीक्षा होगी, तो अब कुछ दिन ये सब मत करो, तुम लग जाओ काम पे, क्योंकि बड़े लक्ष्य के लिए बहुत सारा बलिदान भी आवश्यक है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, जब तक चिट्ठी आई हमने कमिट कर दिया, हमारा तो रीडिंग वगैरह शुरू हो गया है, रोल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, अब क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि थोड़े पापा को पता चलेगा, पढ़ ली, और मैंने अपने आप से वादा किया कि अगर यहाँ इतना टाइम दे रहे हैं तो पढ़ाई क्या फिर मैं वैसे करूँगा, क्योंकि मुझे वो पोजीशन लूज नहीं करना है, तो एक बैलेंसिंग। हमारा नाटक वगैरह हो गया, अगली किसी चिट्ठी में मैंने उसका जिक्र नहीं किया। पिताजी को पढ़ने का बड़ा शौक था, और उस वो समय था 90s में, अर्ली 90s तक का, कि सड़क पे गली मोहल्ले में भी दुकानें होती थी तो वहाँ साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं मिल जाती थी। पढ़ने का वो कल्चर अब नहीं रहा, एटलीस्ट हमारे यहाँ तो नहीं रहा। बंगाल में अभी भी कहीं कहीं दिखता है, और मुझे लगता है कि बंगाल के लोग बहुत हम लोगों से आगे हैं इस मामले में। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान एक मैगजीन आया करती थी, उसके कवर पे हमारे प्ले का वो था, इब्तिदा द्वारा मेंशन, इब्तिदा हमारा ग्रुप का नाम था, और सेंटर स्प्रेड पर वो स्टोरी आई थी उसकी, उसमें तो सारी चीज़ें हैं, एक पैराग्राफ मेरे अभिनय पे बड़ा अच्छा अच्छा लिखा गया था। पिताजी की चिट्ठी आई कि साप्ताहिक हिंदुस्तान का ये वाला अंक मैंने पढ़ा, उसमें तुम्हारे बारे में ये लिखा हुआ था, पढ़कर अच्छा लगा, किंतु चिंता हुई कि परीक्षा सिर पर है, तुम कर क्या रहे। लेकिन हाँ ठीक है, वह आगे सब अच्छा हुआ और पिताजी की शिकायतें भी दूर हो गई। तो ये अभिनय करते भी है, आपका कुछ डायलॉग मुझे याद है, जो डायलॉग आप नहीं मुझे याद, बहुत दिन हो गया। अभी आप कविताओं पर हाँ, क्योंकि देखिए थिएटर जब आप करते हैं आपको समय बहुत लगता है जी, एक एक महीना कम से कम आपको रिहर्सल में, और आप सीरियसली काम कर रहे हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि चलते फिरते आ गए कुछ बोल के चले गए, पात्र में ढलना, उसमें घुसना, उस पर चिंतन करना। मेरा जीवन जो सरकारी नौकरी में है या किसी भी तरह की नौकरी में, किसी का भी होगा जी, नौकरी की अपनी शर्तें होती हैं जी, तो मुझे वो समय नहीं मिल पाता है। अलबत्ता मुंबई में जब मैं था तो हमारी कॉलोनी के बच्चों के साथ मैंने कुछ लेके किया था काम, उनके लिए प्ले लिखा, डायरेक्ट किया। एकेडमी में था जब ट्रेनिंग हो रही थी तब मित्रों के साथ मिलकर हमने वो सब किया था। यहाँ आकर जैसे आपने पहले पूछा था मेरी किसी कविता का पर मैंने अभिनय किया कि नहीं, तो यहाँ पर नीलांबर नाम की संस्था है, उसमें कई ऐसे गुणी मित्र हैं जो डायरेक्शन भी करते हैं और ये सब करते हैं। तो मेरी एक लंबी कविता है दमयंती का बयान, मेरे मन में पूरा उसका फ्रेमवर्क था कि इसको मंचित कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो इसको कैसे कैसे करना है, मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, कोरस का कैसे मूवमेंट होगा, सारी चीज़ें।
मित्रों के साथ बैठ के सारा कुछ तय कर लिया गया। अब ये था कि अब टाइम दीजिए, हम लोग करते हैं। टाइम ही नहीं मिला। आप सुबह से लेके समझिए 7-8 बजे तक आप इधर फंसे रहते हैं, फिर घर जाके दुनियादारी गृहस्थी देखनी है, बच्चे की पढ़ाई है, सही बात, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि उसके बस में बिठाना है उसको, नहीं हो पाता। अब सब चीज नहीं हो पाता है, सही बात, तो आपको चुनना पड़ता है, चुनना पड़ता है। तो ये साथ साथ कविता के साथ साथ आप लिटरेरी फेस्टिवल भी करते हैं। जी हाँ जी हाँ जी, शामिल है। और बताया जाता है कि वर्ल्ड्स वन ऑफ द लीडिंग लिटरेरी फेस्टिवल, चेयर पोएट्री इवनिंग, चेयर पोएट्री करते, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। देखिए, चेयर पोएट्री इवनिंग्स एक हुआ ये कि ये मेरे दिमाग की उपज है जरूर, लेकिन इसका अगर बैकबोन कहें तो मेरा मित्र है सोनेट मंडल। जी, ये होता क्या है? तो मैं बताता हूँ। हमारा ऐसा एक ये हुआ कि हम लोग कई तरह के पोएट्री या लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाए जाते थे और मुझे हर बार जाके निराशा होती थी कि यार यहाँ साहित्य के नाम पे बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। मतलब आप लिटरेचर अगर बोलें तो लिटरेचर बोलिए, नहीं तो इंटेलेक्चुअल या तमाम चीज़ें बोल सकते हैं। लिट फेस्ट के नाम पे किसी भी तरह की बकवास हो रही है। और फिर मैं देखता था एज ए पोएट भी कोई आया है जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जिसकी कोई उस तरह की स्टैंडिंग नहीं है, जिसकी कविताएं उस तरह की नहीं है। जुगाड़ से सबसे दो होता है, आप एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए और बाकी मेरा ये काम कर दीजिए, गिव एंड टेक। तो ना मुझे लगता था कि नहीं, अगर आप कविता का उत्सव कर रहे हैं तो यार उसको कविता का रहने दो, साहित्य का कर रहे हैं तो साहित्य का रहने दो, बाकी और विधाओं को जोड़ रहे हैं तो उसको उस तरह से करो। मेरे मन में आया कि हम लोग कविता का ही करेंगे और कुछ इस ढंग से करेंगे कि मेरा शुरू से रहता था कि जैसे आप पेंटिंग अगर करते हैं, एक पेंटिंग को अप्रिशिएट करने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है। मुझे हमेशा ऐसे लगा है कि कविता को भी समझने के लिए भाषा एक लिमिट तक ही आपको हेल्प करेगी, उसके बाद उसके भावना, आप अगर उसके कोर को कनेक्ट कर चुके हैं तब फिर वो शब्द और ये सब झड़ जाते हैं। जैसे मेरी एक किसी कविता में मैंने लिखा था, मैं शून्य में लिखा एक वाक्य हूँ जिससे शब्दों की पपड़ियाँ झड़ रही हैं, जैसे दीवार की पपड़ी होती है ना, चुनाव ने झड़ता है उसका क्रस्ट, सही बात। तो मैं शून्य में लिखा एक वाक्य हूँ जिससे शब्दों की पपड़ियाँ झड़ रही हैं, मैंने कविता के बारे में कह रहा था जी, कि कविता शब्द रहित हो जाती है, शब्दहीन हो जाती है जब वो अपने एकदम कोर में पहुंचती है और वो कनेक्ट होता है। तो मेरे मन में ये होता था कि कैन वी नॉट एक्सपेरिमेंट समथिंग, कि इसी सिलसिले में ये शुरू हुआ है। इसी सिलसिले से तो मैंने अपने मित्र सोनेट से कहा कि यार हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, तो उसने कहा कर सकते हैं। तो ये कब होता है? ये कोलकाता में ही हम लोग करते हैं, नवम्बर, हर साल नवम्बर के तीसरे वीकेंड पर जी, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन का होता है ये। इसमें हम लोग 16 पोइट्स को इनवाइट करते हैं, जिसमें 8 होते हैं दुनिया के अलग 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 हिस्सों से आए हुए कवि, उनकी भाषाएं कुछ भी हों, और 8 कवि भारत के अलग 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 हिस्से से अलग अलग भाषाओं के, लेकिन कवि बहुत ही हाई लेवल के होते हैं तभी हम बुलाते हैं। कि ऐसा दुनिया की विश्व की अलग अलग अंदाज की कविताएं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ ये जो भारत में साहित्य अकादमी जीते हुए लोग नहीं भी मिला है तब भी हम अगर देख रहे हैं कि उनकी कविता में गजब का दम है तो आप बुला, उनको भले ही कोई पुरस्कार ना मिला हो तो आप बुलाते, लेकिन हम उनको सम्मान के साथ बुलाते हैं। नवम्बर महीने में ये होता, नवम्बर में। अब क्या है कि सबकी कविताएं आती हैं, कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, कोई एस्टोनियन है, कोई अमेरिकन है, कहीं का भी हो, या तमिलनाडु का है, नॉर्थ ईस्ट का है, गुजराती है, मराठी है, कोई भी पोएट है, बंगाली है फॉर दैट मैटर, उनकी मूल भाषाओं की कविताएं हम मंगाते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप इसका एक अंग्रेजी का ट्रांसलेशन भी भेज दीजिए। हमने पाया है कि पहले दिन इंग्लिश की ज़रूरत होती है लोगों को
बाद में नहीं होता। नेक्स्ट डे से जब पोएट के साथ नेक्स्ट डे का सेशन होता है ना, तो वो सिर्फ कवि और श्रोता होते हैं, हम लोग कहीं नहीं रहते हैं, और दर्शक दीर्घा से श्रोता, और उसको काफ़ी हम लोग इनफॉर्मल सेटिंग, यूँ समझिए कि जैसे एक कमरा है, ये इधर कुछ कुर्सियाँ लगा दी गई, लोग दरी बिछा के बैठे हुए हैं, ये नहीं कि एक स्टेज है और बाकी इधर है। वो भावनाओं से जुड़ा जाता है। यस, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सही बात। वो जवाब देंगे। बिल्कुल। और धीरे धीरे थर्ड डे आते आते हमने कई बार महसूस किया है कि हम समझ पा रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, हमको भाव प्रेषित हो रहा है, शब्द भले नहीं आता हो। कविता की एक सुंदरता यह भी है कि कैसे शब्दों के साथ खेला गया, वो एक अलग सुंदरता है। तो हो सकता है कि अनुवाद और इन चीज़ों से वो हमको नहीं मिल सके उतनी, और अगर हमको मूल भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम उसका आनंद नहीं ले सकते, लेकिन उसका जो पिघला हुआ तत्व होता है ना, तो मोल्टन क्रस्ट, वहाँ से बराबर संवाद होने लगता है, हृदय का हृदय से होता है। बिल्कुल। धवल साहब, अंत में एक ख्वाहिश है आपसे कि आप एक कविताओं से आज की हमारी खास बातचीत क्या बंद करना चाहेंगे, एक आपकी कविता। अब मेरे मोबाइल पर है, मैं अगर आप एक मिनट मुझे मौका दें तो मोबाइल। आपका मोबाइल। एक छोटी सी कविता मेरे मन में आई अभी जब आप पूछ रहे थे ना जी, तो मेरे बेटे का जिस दिन जन्म हुआ था जी, तो पत्नी सो गई थी, और ऑब्वियसली प्रसव के बाद स्त्री की तो दशा थोड़ी सी रहती है। हॉस्पिटल में उसके पालने के बाहर मैं बैठा हुआ था जी, और मैं पहरे पर था एक तरह से कह सकते हैं। तो उस पर एक छोटी सी कविता है, एक सीरीज इनफैक्ट हुई थी उसके बाद। ये मेरे बेटे तत्सत के लिए है जी। और इस पे कई कविताएं बाद में होती गई हैं, एक सीरीज ही बन गई है। तुम्हारे पालने के बाहर, तुम्हारे पालने के बाहर एक रत जगह ऐसा भी है जिसमें रात नहीं होती, जिसमें देह की परतें खुल जाती हैं, भाषा से शब्द झर जाते हैं, आंखें आंख नहीं रहती, वे स्वप्न हो जाती हैं, बोध के संदर्भ जिसमें उलट जाते हैं, काल का व्याकरण गल जाता है। तुम्हारे पालने के बाहर एक थकान ऐसी भी है जो अपनी ही ताजगी होती है, आशंकाएं जिसमें खूब गर्दन उठाती है, एक आक्रांत स्नेह अपने भविष्यत संदिग्धों की तलाश में होता है, और यहीं से उन सब का शिकार करता है आने वाले दुर्गम पथों पर माटी की नरम मोयम रखता हुआ। तुम्हारे पालने के बाहर एक बीहड़ है जिसमें एक बागी हुआ मन गाता रहता है मानव मुक्ति के गीत, उसके हाथ केसर कुदाल करतब करताल होते रहते हैं, एक मोम हुआ हृदय ऐसा भी होता है तुम्हारे पालने के बाहर जो अपने दुःस्वप्नों और हाहाकारों में तुम्हारी असंग चेतन मुस्कान भर रहा होता है तुम्हारे पालने के बाहर। तो सर जी, जबरदस्त कविताएं, वो आप बैठ के लिखे हैं वहीं पे जी। बिल्कुल। धन्यवाद तुषार जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपसे बात कर सके, उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखते रहिए एनएम न्यूज, और अगला सप्ताह फिर दोबारा इस तरह के अनोखे अंदाज से आपके सामने हम लोग पेश आएंगे। नमस्कार। Please don't forget to subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest updates.